हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल यूरो केयर डॉक्टर मुकेश कुमार विजय। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेटाइटिस के क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारे यंग एज ग्रुप है, 20 से 40 वाले साल में जो पुरुष होते हैं, उनमें एक क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली पाई जाती है। आज के टाइम में हमारा ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, 20% ऑफ यंग पेशेंट्स क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम के लेके आते हैं। वो कई सालों से सफ़र करते हैं, उनका नॉर्मल लाइफ पूरा ख़राब हो जाता है, स्ट्रेस के अंदर वो रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। रिस्क फैक्टर आपको पता हो पड़ जाएगा तो उनको आप अवॉइड करने से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोस्टेटाइटिस का कारण होता है वो होता है आपका कम फ्लूड इनटेक करना, मतलब आप अपने शरीर में कम मात्रा के अंदर फ्लूड का लेना या पानी का कम पीना। नॉर्मल मानुष को, नॉर्मल जो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं या महिला हो, उनको कम से कम 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इन्फ्लेमेशन की चीज़ें जो आपके यूरिन में आती है वो जल्दी से फ्लश आउट हो जाए। दो नंबर पे होता है आपको रिकरेंट यूटीआई। अगर आपको रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम है तो आपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाकर उसका पूरा ट्रीटमेंट कराएं। तीन नंबर पे होता है अगर आपका प्रोस्टेटाइटिस की हिस्ट्री है तो आपको रिपीट प्रोस्टेटाइटिस होने के चांस होते हैं, इसलिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ में रेगुलरली संपर्क में रहें। तीन नंबर होता है कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको रेगुलर कैथेटर रखने की जरूरत होती है या फिर सेल्फ इंटरमिटेंट क्लीन कैथेटाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटाइजेशन की जरूरत, ये किन पेशेंट में जरूरत पड़ती है? जो कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया है या स्पाइनल कोड का प्रॉब्लम हो गया है, उनका ब्लैडर की जो खाली करने की जो पावर होती है वो चली जाती है, इसलिए वो रेगुलरली हाथ साफ करके एकदम क्लीन कैथेटर लेके अपने पेशाब के रास्ते में डालते हैं और रेगुलरली 4 से 6 घंटे में अपना यूरिन पास करते हैं। ऐसे पेशेंट में प्रोस्टेटाइटिस के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके प्रोस्टेटाइटिस के अगर चांस होते हैं, उसके बचने के लिए आप क्लीन करके स्टराइल टेक्निक से अपना कैथेटराइजेशन करवाएं और स्टराइल तरीके से अपना कैथेटर को बाहर निकलवाएं। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस डेवलप होता है। उसकी एक डिटेल वीडियो, कैसे आप इस कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं, मेरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे इस यूरो के डॉक्टर मुकेश कुमार विजय चैनल पे देख सकते हैं अगर आपको कंटिन्यू कैथेटराइजेशन की जरूरत है। और अगर आप सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करते हैं तो उसके लिए आप अपने हाथों को कैथेटराइजेशन करने के पहले अच्छी तरह वॉश करें। आप जो अपने कैथेटर आप यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपरली स्टराइल टेक्निक से रखें, उसको स्टराइल टेक्निक से वहाँ से उठाएं और स्टराइल टेक्निक को बिना कहीं टच करिए जायलोकन जेली या किसी भी तरह की जेली लगा के आप यूरेथ्रा में एंटर करके यूरिन पूरा बाहर निकालने के बाद में उसको बाहर निकाल के अच्छी तरह से वॉश करके आप उसको स्टराइल तरीके से स्टराइल करके ही सेकेंड टाइम पर व्यवहार करें। उसके अलावा कुछ पेशेंट में टेस्टिस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम ऑर्काइटिस कहते हैं, उन पेशेंट में भी प्रोस्टेटाइटिस का चांस रहता है। अगर आपको ऑर्काइटिस हुआ है तो अपने डॉक्टर से कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ऑर्काइटिस के अंदर भी लॉन्ग टर्म 6 सप्ताह और 4 सप्ताह की एंटीबायोटिक्स वगैरह लेनी पड़ती है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं उसमें भी एक प्रोस्टेटाइटिस का चांस होता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट में जीन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिनकी वजह से भी कुछ पेशेंट में प्रोस्टेटाइटिस के चांस ज़्यादा होते हैं, पर ये कारण हमारे हाथों में नहीं है, इससे हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ में सेक्स करते हैं तो उसको उनको अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करें एक ही सेक्स पार्टनर के साथ में आप अपने सेक्स करें। उसके अलावा कुछ लोग अननेचुरल सेक्स करते हैं जो कि एनल सेक्स होता है, उसको अगर प्रोस्टेटाइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको प्रिवेंशन के तौर पे आप एनल सेक्स ना करें तो अच्छा रहेगा, उसको अवॉइड करें। अगर करते हैं तो प्रोटेक्शन के साथ में करें। कुछ लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, वेजिनल सेक्स भी विदाउट कंडोम के करते हैं। अगर आपके पार्टनर को किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो आप में एंटर कर जाएगी। अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स विदाउट कंडोम के करेंगे तो आपको चांस ऑफ प्रोस्टेटाइटिस बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट को पेल्विक इंजरी होती है। पेल्विक इंजरी यूजुअली आपका जो पेरिनियम एरिया होता है उसमें किसी भी तरह की इंजरी होती है,
जैसे कि आप लॉन्ग टर्म पर आप बाइक चलाते हैं, आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक बाइक चलाना पड़ता है, ऐसे पेशेंट में भी आपके पेरिनियम में एक प्रेशर पड़ता है जिससे कि वजह से प्रोस्टेट पे प्रेशर पड़ के प्रोस्टेटाइटिस का चांस रहता है। कुछ पेशेंट्स में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, इस स्ट्रेस की वजह से भी कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कि आपको प्रोस्टेटाइटिस डेवलप होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया है क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे प्रोस्टेटाइटिस डेवलप होता है। अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे, इन रिस्क फैक्टर्स को कम करेंगे, जैसे कि आप जल पानी ज़्यादा पियेंगे, सफिशियंट क्वांटिटी में पानी पियेंगे, अगर आपको रिकरेंट यूटीआई या ऑर्काइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप रेगुलर पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे, आपको कैथेटर लगाना पड़ रहा है या फिर आप खुद कैथेटर करके यूरिन बाहर निकालते हैं उसको एक क्लीन स्टराइल टेक्निक से करेंगे, या फिर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर को अवॉइड करेंगे, एनल सेक्स को अवॉइड करेंगे और प्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे विद कंडोम की हेल्प से, और आप लॉन्ग टर्म सीटिंग नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म तक आप बाइक नहीं चलाएंगे, और बाइक चलाना भी पड़ रहा है तो आधे एक घंटा से बाइक चलाए उसके बाद थोड़ी देर रोक के थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद में वापस आप बाइक चलाएंगे तो आपको पेल्विक इंजरी नहीं होगा, आपका पेरिनियम इंजरी नहीं होगा, प्रोस्टेट पर किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ेगा। और अगर आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, इससे कि आप प्रोस्टेटाइटिस से बच सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।